गरीब का जादुई लस्सी हैंडपंप। एक गांव में तितली अपने परिवार के साथ रहती थी। तितली का पति जूता बनाने वाले एक मोची का काम किया करता था। वो सुबह से काम की तलाश में निकल जाया करता था और देर रात को घर लौटता था। केदार की माली हालत अच्छी न होने के कारण गांव वाले अक्सर उसे नीचा दिखाया करते थे। ऐसे ही एक सवेरे जब केदार गांव में इधर उधर काम की तलाश में घूम रहा होता है, मोची मोची फटा पुराना जूता सिलने वाला मोची, चप्पल जूता बूट सिलाई सबकी होती मजबूत। केदार की आवाज सुनकर वहीं मेवा लाल लस्सी दुकान के बाहर बैठा दवाई बेचने वाला मंटू केदार को टोकता हुआ कहता है, अरे रे ची 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 क्या हालत हो गई है तेरी केदार। राम राम, एक समय था जब तेरे परिवार का नाम बड़े नामचीन लोगों में शुमार था। तेरे बाप दादाओं के पास जमीनें थी, तालाबे थे, और आज देख तेरी हालत कहाँ। ये चमड़े का थैला उठाए इधर उधर काम मांगता घूम रहा है। जो चीजें थी वो तो थी ना, अब तो कुछ रहा नहीं, तो अब तो अपना पेट पालने का कुछ काम तो करना पड़ेगा ही ना मंटू भाई। अब कहाँ रह गए वो तालाबे, वो खेत खलियान। वैसे तेरे पास कोई चप्पल हो जो तुझे सिलवानी हो तो मुझे बुला लेना। क्या केदार क्या मजाक करता है, आजकल टूटी चप्पल कौन ही सिलवा कर पहनता है। मैं तो एक बार जिस चप्पल में पैर डालूं फिर उसे दोबारा नहीं पहनता। अब तेरी माली हालत सही नहीं सो अलग बात है, सब समय का फेरा है मंटू भैया। एक ग्लास पानी मिलेगा क्या मेवा भाई। तुम गरीबों का यही है, जरा सी सांत्वना क्या दे दी, तुम तो रिश्ता ही बनाने लग गए। औकात भूल गया क्या अपनी, सामने से हट मेरी दुकान के, ग्राहक ही खराब कर देगा, तुझे देखकर ही कोई मेरी दुकान पर आना ही नहीं चाहेगा। तभी वहाँ पर पंडित जी पूजा की थाली लिए हुए आते हैं। राम राम, किस भिखमंगे का चेहरा देख लिया, आज तो लगता है कोई काम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। जिसके पैदा होते ही उसके खानदान की सारी संपत्ति चली गई हो उसे देखने से बड़ा अपशगुन हो ही क्या सकता है। और हाँ केदार, ध्यान से सुन ले, कल मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, तो तितली को कह देना सबसे पहले जाकर चापानल से पानी ना निकाल ले, सबसे पहले मैं भरूंगा पानी, समझा। क्यों इस मनुष्य के पीछे मूड का सत्यानाश करते हो पंडित जी, बैठ भी जाओ जरा और मेवा लाल की मेवा मार के लस्सी पियो, लस्सी जैसे अंदर जाएगी दिमाग ठंडा हो जाएगा। पंडित जी को देर हो रही होगी तो उनके घर ही लस्सी भेज देना, क्यों ठीक है ना पंडित जी। हमेशा की तरह जिल्लत सहकर केदार घर लौट आता है और इन सब में अपनी पत्नी को कल होने वाली पूजा के बारे में बताना ही भूल जाता है। इस सब से अनजान तितली सुबह 4 बजे ही हैंडपंप के पास पानी भरने चली जाती है। अच्छा है आज समय से पहले आ गई, वरना हर रोज इतनी लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है, पानी भरने को ही नहीं मिल पाता है। तितली पानी भरकर वापस आ ही रही होती है कि पंडित जी सभी गांव वालों के साथ हैंडपंप की ओर पानी भरने आते हैं। अरे पंडित जी देखिए इस तितली के हाथों में तो पानी के मटके, लगता है ये हैंडपंप को छू कर आ गई है। ले लिया इसने पहला पानी, तुझे शांति नहीं है क्या, भगवान के काम में भी अड़चन डालने आ गई तू। ये दोनों पति पत्नी ही अशुभ हैं, ये चाहते ही नहीं कि हमारे गांव का मंगल हो। सही कहते हैं पंडित जी आप, इसे तो अलगाव के हैंडपंप को छूने की भी इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। तेरी सजा यही है कि तू अब गांव के हैंडपंप से पानी नहीं भरेगी, और किसी ने भी तुझे हैंडपंप से पानी भरता देख लिया तो तुझे गांव से भी निकाल देंगे। गांव का एकमात्र हैंडपंप ही तितली के परिवार के लिए पानी का माध्यम था, अब उसके परिवार को पीने तक के पानी के लिए हर तरफ भटकना पड़ रहा था। पानी की तलाश में तितली और केदार जंगल जंगल घूमने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक हैंडपंप दिखाई देता है। तितली जल्दी यहाँ आ, देख जंगल के बीचों बीच एक हैंडपंप है, भगवान की दया से अब हमें पानी पीने को मिलता रहेगा। तितली फौरन हैंडपंप के नीचे अपना मटका रख देती है और केदार हैंडपंप चलाना शुरू करता है, पर हैरानी की बात ये होती है कि हैंडपंप में से पानी ना निकल कर लस्सी निकलने लगती है। हे भगवान, लगता है इस पानी में सफेद चूना मिला हुआ है, कैसा सफेद सफेद पानी निकल रहा है जी, इसे हम कैसे पियेंगे। अरे पगली, ये सफेद पानी नहीं है, लस्सी है लस्सी, देख इसमें कितने सारे मेवे भी डले हुए हैं, लगता है ये कोई जादुई हैंडपंप है। हम यहाँ पानी की तलाश में आए थे और भगवान ने हमें लस्सी दे दी, इससे अब हमारी प्यास भी मिट जाएगी और भूख भी। केदार और तितली कुछ दिन तक रोज उस हैंडपंप से लस्सी लेकर आते हैं,
फिर एक दिन तितली के दिमाग में एक आइडिया आता है। कितनी स्वादिष्ट लस्सी है, ये तो मेवा लाल भी नहीं बनाता है। अजी मैं क्या सोच रही हूँ जी, क्यों ना आप ये मोची का काम छोड़कर लस्सी ही बेचना शुरू कर दीजिए। ना जाने इस लस्सी में क्या जादू है, मैं इसे जब भी पीती हूँ ना जी, लगता है शरीर का सारा दर्द ही छूमंतर हो गया हो। अब क्या था, एक छतरी लगाकर केदार और तितली अपनी लस्सी की दुकान खोल लेते हैं। तभी वहाँ अपने घुटने पकड़कर धीरे धीरे केदार का शुभचिंतक मोहन पहुँचता है। अरे वाह बेटा केदार, तूने नया काम शुरू किया, अच्छा है अच्छा है, खूब तरक्की कर, अब मुझे भी पिला एक गिलास लस्सी। हाँ केदार एक गिलास लस्सी मोहन को पिलाता है, जिसे पीते ही उसके घुटने के दर्द छूमंतर हो जाते हैं। ये तूने क्या पिला दिया केदार, वो मंटू मेरे इन घुटनों के दर्द के बहाने न जाने कितने पैसे लूट लेता था, और तेरे एक गिलास लस्सी पीते ही मेरे घुटने तो मानो फिर से स्वस्थ हो गए। ये ले 2000 रुपए। अब क्या था, इस बात की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है, और अब केदार के पास लस्सी पीने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगने लग जाती हैं। न जाने ये लोगों को कैसी लस्सी पिलाता है, मेरी तो सारी ग्राहकी खराब कर दी इसने, अब कोई पेशेंट मेरे पास नहीं आता। मेरा भी तो वही हाल है मंटू भाई, कोई मेरे पास लस्सी पीने आता ही नहीं है, इस केदार का कुछ करना पड़ेगा। एक महीने के अंदर ही केदार सड़क में छतरी के नीचे लस्सी बेचना छोड़कर सीधा अपनी एक दुकान खोल लेता है। उसकी तरक्की मेवा और मंटू को ज्यादा भाती नहीं, इसीलिए वो दोनों उसकी लस्सी में जमाल घोटा मिलाने चुपके से उसकी दुकान में पहुंचते हैं। पर वो दोनों बेचारे कहां जानते थे कि ये लस्सी कोई आम लस्सी नहीं, जादुई लस्सी है। जैसे ही मंटू उस लस्सी में जमाल घोटा मिलाता है, लस्सी में से अपने आप एक फव्वारा निकल आता है, और कोई ऐसा वैसा फव्वारा नहीं, आग के लावे का फव्वारा, जो जैसे ही मंटू और मेवा लाल पर गिरता है दोनों चीखने लग जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर केदार और तितली वहाँ पर भाग कर आते हैं। हमसे गलती हो गई केदार, हम तुम्हारा काम बिगाड़ने आए थे और देखो क्या हो गया। यही है दुनिया, देखो गांव वालों, जब हमारी माली हालत ठीक नहीं थी तब भी ये लोग हमें कोस रहे थे, और आज हम तरक्की करने लगे हैं तो ये हमें गिराने आ गए हैं। हमें बचा लो, हमारा शरीर बहुत जल रहा है, कुछ करो केदार कुछ करो। चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आता हूँ, उसे पीकर तुम दोनों ठीक हो जाओगे। केदार फौरन भाग कर जाता है और एक एक गिलास लस्सी मेवा लाल और मंटू को दे देता है, जिसे पीते ही उनके शरीर का घाव फौरन भर जाता है और दोनों ठीक हो जाते हैं। मेवा लाल और मंटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इस दिन के बाद वो कभी भी दोबारा किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते। इस बात को आज कई साल हो गए थे, और आज तक उस जादुई लस्सी के हैंडपंप के बारे में तितली और केदार के अलावा कोई नहीं जान पाया था। तितली और केदार आज भी मुसीबत में पड़े लोगों को जादुई हैंडपंप की लस्सी पिलाकर दुरुस्त करते हैं।